हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो ये है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। सो बेसिकली होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस क्या होता है? होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस का मतलब है ये प्लांट्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे थॉर्न्स, ट्राइकोम्स, द क्यूटिकल और जेनेटिक रेसिस्टेंस, मतलब इसमें एक्सटर्नल होते हैं या इंटरनल। और इंटरनल सो एक्सटर्नल का मतलब ट्राइकोम्स हो गया या थिक क्यूटिकल हो गया और ये थॉर्न्स हो गया, ये सब एक्सटर्नल है। और इंटरनल मतलब वही जेनेटिक रेसिस्टेंस। सो ये एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कुछ भी, सो ये सब कैरेक्टर्स है ना। सो दीज कैरेक्टर्स दे विल हेल्प द प्लांट टू टॉलरेट द अटैक ऑफ पेस्ट। सो दीज कैरेक्टर्स को हम होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस कहते हैं, मतलब दीज कैरेक्टर्स आर यूज इन टॉलरेटिंग द अटैक, इसको हम होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका टाइप्स एंड ऑल्सो इसका मैकेनिज्म, हाउ इट इज़ बेसिकली डन, ये सब हम देखेंगे। ओके, सो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस या HPR, ये दे आर द कैरेक्टर्स that enable a plant to avoid, tolerate and recover from the attack of insects. जैसे फॉर example thorns है, thorns जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो thorns. So ये thorns का main use क्या है? The main use है to save themselves from the animals, जैसे cows हो या buffaloes हो, ये सब grazing करते हैं ना, they will feed on plants. सो अगर प्लांट्स पे थॉर्न्स है, सो दे कांट ईट देम, इसका मतलब है द प्लांट इज सेविंग इट सेल्फ फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। वैसे ही क्रॉप्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सो दिस विल हेल्प, दिस कैरेक्टर्स विल हेल्प देम टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द इंसेक्ट अटैक। ओके, मतलब एक अटैक को अवॉइड करना, अगर अटैक हो गया तो इससे टॉलरेट करना, एंड ऑल्सो टू रिकवर, avoiding, tolerating and recover from the attack of insect, इसको हम host plant resistance कहते हैं। So this definition is given by Painter, और दूसरा definition भी है, these are the heritable characters, basically genetic resistance है, for example ये character तो heritable है, ठीक है, so ये सब heritable characters होते हैं, मतलब which can be passed from one generation to another. सो ये होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस हेरिटेबल कैरेक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ डैमेज डन बाय द इंसेक्ट। अगर डिग्री ऑफ डैमेज कम है, इसका मतलब है इट कैन बी ईजिली रिकवर फ्रॉम द डैमेज। अगर डिग्री ऑफ डैमेज ज़्यादा है, देन इट्स अनदर केस। सो ये होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस का मेन मोटो क्या है? ये कुछ तरीके कैरेक्टर्स हैं विच विल हेल्प the plant to avoid, tolerate and recover from the attack of insect. Iska best example hai thorns. So thorns are used to save themselves from the animals, grazing animals. Waise hi host plant resistance hai, just to save themselves. Okay. Next hai types of resistance. So first hai ecological or pseudo resistance. So basically pseudo ka matlab kya hai? फॉल्स, हम फॉल्स कह सकते हैं, सूडो का मतलब फॉल्स है। सो ये इकोलॉजिकल या सूडो रेसिस्टेंस, दे आर काइंड ऑफ रेसिस्टेंस विच रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिटरी कैरेक्टर्स। यहाँ पे ट्रांजिटरी कैरेक्टर्स का मतलब है टेम्पररी, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। सो ये टेम्पररी कैरेक्टर्स जो है, दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ये टेम्पररी कैरेक्टर्स एक प्लांट को एक इंसेक्ट अटैक से, इट विल गिव द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट, अवॉइड एंड रिकवर। ठीक है, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये टेम्पररी कैरेक्टर्स जो है, दीज आर द मेन मेन स्वॉर्ड, मतलब मेन थिंग्स इन द रेसिस्टेंस। सो ये टेम्पररी या सूडो रेसिस्टेंस तीन कैटेगरीज में है, एक है होस्ट इन एवेजन इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस एस्केप। होस्ट एवेजन का मतलब है होस्ट में पास टू मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज क्विकली और एट अ टाइम व्हेन इंसेक्ट्स आर लेस। सो ये होस्ट एवेजन स्टेज का मतलब है प्लांट्स हैं, दे आर लाइक सो इंटेलिजेंट,
वाई मीन्स प्लांट्स दे विल गो थ्रू देयर मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज. गाइज हर एक क्रॉप में कुछ ससेप्टेबल स्टेजेस होते हैं. सो बेसिकली ससेप्टेबल स्टेजेस का मतलब क्या है? इट इज़ द स्टेज एट विच दे आर द अटैक या द डेंजर फ्रॉम द इंसेक्ट इज मोर. मतलब इस स्टेज में प्लांट्स बहुत वीक होते हैं. जैसे कुछ स्टेज फ्लावरिंग स्टेजेस होते हैं, कुछ तो पैनिकल स्टेजेस होते हैं. ठीक है, सो इस स्टेज में क्रॉप बहुत वीक होते हैं. सो इस वीक स्टेज का मतलब क्या है? इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू पेस्ट टू अटैक. ये ससेप्टेबल स्टेज. सो ये ससेप्टेबल स्टेज जो है, मतलब प्लांट्स ये तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. बिकॉज दीज प्लांट्स दे विल पास द ससेप्टेबल स्टेज व्हेन द इंसेक्ट्स आर लेस. मतलब ये तो एकदम इंटेलिजेंट मूव है. ठीक है, सो दीज प्लांट्स दे विल पास टू द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज व्हेन द इंसेक्ट्स आर लेस. इसको हम होस्ट एवेजन कहते हैं. और दे एवेड इंजरी बाय अर्ली मैच्योरिंग. ठीक है, सो दिस इज द होस्ट एवेजन. ठीक है, सो नेक्स्ट है इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस. इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस का मतलब है इंक्रीज इन रेसिस्टेंस टेम्पररीली ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस ऑफ प्लांट हो, या अगर वाटर का क्वालिटी चेंज हो, या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी चेंज. सो ड्यू टू दिस स्मॉल चेंजेस इसका रिजल्टेंट क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ टेम्पररी रेसिस्टेंस. अगर रेसिस्टेंस मिल जाएगा सो दे कैन फाइट द इंसेक्ट. नेक्स्ट है एस्केप. एस्केप का मतलब है एब्सेंस, कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ इन्फेस्टेशन. पेस्ट से कुछ डेंजर नहीं होगा. सो दे वॉन्ट बी एनी डेंजर फ्रॉम द पेस्ट. कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ इन्फेस्टेशन या कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ पेस्ट अटैक. इसको तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लाइक इनकम्प्लीट इन्फेस्टेशन हो, या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट आर नॉट फेवरेबल टू इंसेक्ट. ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. सो ये है इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका दूसरा नाम है सूडो रेसिस्टेंस, मतलब टेम्पररी या फॉल्स रेसिस्टेंस. सो ये सूडो कैरेक्टर्स या टेम्पररी कैरेक्टर्स वाई दे विल बी कमिंग, इट इज़ ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. या और ये सूडो रेसिस्टेंस में तीन कैटेगरी से होस्ट एवेजन. सो होस्ट एवेजन का मतलब है प्लांट जो इसका ससेप्टेबल स्टेजेस होते हैं हर प्लांट में. सो दिस प्लांट इट विल पास द ससेप्टेबल स्टेज व्हेन द इंसेक्ट इंजुरी इज लेस. जैसे हम फॉर एग्जांपल अर्ली मैच्योरिंग या लेट मैच्योरिंग, ये सब ससेप्टेबल स्टेजेस होते हैं इन सम प्लांट्स. सो दीज प्लांट्स विल पास द ससेप्टेबल स्टेज व्हेन द अटैक या इंजुरी फ्रॉम पेस्ट इज लेस. दिस इज द होस्ट एवेजन. नेक्स्ट है इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस का मतलब है हर प्लांट में ड्यू टू चेंज इन द न्यूट्रिएंट हो, या चेंज इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, सडनली एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं. ये तो टेम्पररली है. ठीक है, सो ये टेम्पररी रेसिस्टेंस अगर एक प्लांट में होगा तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ऑफकोर्स दे आर रेसिस्टेंट फ्रॉम द पेस्ट अटैक. दिस द इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस. एस्केप का मतलब है इस केस में कुछ इन्फेस्टेशन नहीं होगा, मतलब कुछ इन्फेक्शन या अटैक फ्रॉम द पेस्ट ऐसे कुछ नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस है. सो इसका रीजंस बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, बहुत सारे रीजंस. ओके, सो दिस इज द इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस और सूडो रेसिस्टेंस. नेक्स्ट है जेनेटिक रेसिस्टेंस. ये तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स. ठीक है, सो इसमें कैटेगरी से फर्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स. सो मोनोजेनिक रेसिस्टेंस का मतलब है दिस रेसिस्टेंस इज कंट्रोल्ड बाय जस्ट अ सिंगल जीन. ऑलिगोजेनिक मतलब फ्यू जीन्स, पॉलीजेनिक मेनी जीन्स, और मेजर जीन रेसिस्टेंस माइनर जीन रेसिस्टेंस. मेजर जीन रेसिस्टेंस का मतलब है दे आर कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स. मतलब इस केस में वर्टिकल रेसिस्टेंस होगा. वर्टिकल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? दीज आर इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस विच स्पेसिफिकली टारगेट अ पर्टिकुलर पेस्ट. ठीक है, मतलब ये तो टारगेट ओरिएंटेड है वर्टिकल रेसिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस इट इज़ नॉट टारगेट, इट इज़ नोन टू किल ऑल द काइंड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. दिस इज द हॉरिजॉन्टल
रेसिस्टेंस. सो ये मेजर जीन रेसिस्टेंस कंट्रोल बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स. अगर मेजर जीन होगा इसका मतलब क्या है, ऑफकोर्स वर्टिकल रेसिस्टेंस होगा, मतलब टारगेट ओरिएंटेड. माइनर जीन में इट इज़ कंट्रोल बाय माइनर जीन्स. सो इट इज़ ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, मतलब इट इज़ नोन टू किल ऑल काइंड ऑफ पेस्ट. सो वी कैन ऑल्सो कॉल माइनर जीन रेसिस्टेंस आर एडल्ट रेसिस्टेंस, मेच्योर रेसिस्टेंस, फील्ड रेसिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस. ये है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स, मोनोजेनिक बाय सिंगल जीन, कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, ऑलिगोजेनिक फ्यू जीन्स, पॉलीजेनिक मेनी जीन्स और मेजर जीन रेसिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स. और इसका रेसिस्टेंस होगा वर्टिकल, मतलब देयर स्पेसिफिक. माइनर जीन्स इज कंट्रोल्ड बाय मेनी माइनर जीन्स, ये तो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब इट कैन किल ऑल काइंड ऑफ पेस्ट. This is the based on number of genes. Next is based on biotype reaction. Same vertical and horizontal, I've told you before. Vertical hoga specific resistance, horizontal hoga non-specific, matlab non-target oriented. Next is based on population or line concept. So pure line resistance ka matlab it is exhibited by the plants which are lines. Lines ka matlab ek generation jaise hote hai. So exhibited by lines which are phenotypically and genotypically similar. इसका phenotype और genotype दोनों same ही होगा. Multi-line resistance is exhibited by plants. इसमें phenotypically similar होगा लेकिन genotypically different. Genotypically मतलब within the genes. Phenotypically मतलब appearance. Appearance में same है लेकिन genes में फ़र्क है. This is based on population. नेक्स्ट है मिसलिनस कैटेगरीज. एक है क्रॉस रेसिस्टेंस, दूसरा मल्टीपल. सो ये है क्रॉस रेसिस्टेंस, क्रॉस मार्क. इसका मतलब क्या है, सो यू विल इनकॉर्पोरेट रेसिस्टेंस. फॉर एग्जांपल एक पेस्ट है, ओके. सो ये पेस्ट को मारने के लिए यू शुड यूज दिस स्मॉल ए काइंड ऑफ रेसिस्टेंस. सो यू हैव इंसर्टेड या सो यू हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस स्मॉल ए रेसिस्टेंस इन टू अ particular plant, okay. Lekin what happened is instead of killing, matlab ye resistance instead of tolerating this A, it started tolerating B insect. Matlab cross hai, this is the A, okay, this is the A. So you have used this small A resistance to control ye capital A ko control karne ke liye, you have used the small A resistance. लेकिन क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट कंट्रोलिंग कैपिटल ए, इट इज़ कंट्रोलिंग सम अदर इंसेक्ट. दिस इज द क्रॉस, ऑपोजिट, क्वाइट ऑपोजिट, ठीक है. नेक्स्ट है मल्टीपल रेसिस्टेंस. सो यू ऑफ इनकॉर्पोरेट इन अ वेराइटी अगेंस्ट डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस. ये तो नॉन स्पेसिफिक, इट इज़ नोन टू टॉलरेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस. इट कैन बी इंसेक्ट्स हो या नेमाटोड्स, हीट, ड्राउट, कोल्ड, सब. लेकिन क्रॉस रेजिस्टेंस में यू हैव यूज्ड इट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंसेक्ट, लेकिन इसका एक्शन जो है दूसरा इंसेक्ट पे, क्रॉस रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस एंड एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस. सो बेसिकली सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस जो एक्वायर बाय कोइवोल्यूशन. कोइवोल्यूशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए इज अ प्लांट एंड बी इज अ इंसेक्ट, ठीक है. सो वन डे दिस इंसेक्ट इट स्टार्टेड अटैकिंग दिस प्लांट. सो इट स्टार्टेड अटैकिंग, मतलब उस टाइम पे पेस्टिसाइड्स, केमिकली इंसेक्टिसाइड्स ऐसा कुछ नहीं है. सो इट स्टार्टेड अटैकिंग द प्लांट. सो एज द टाइम गोज व्हाट हैपेंड इज ये प्लांट इट स्टार्टेड डेवलपिंग न्यू जीन्स, मतलब इट स्टार्टेड डेवलपिंग रेसिस्टेंस. सो ये इसमें रेजिस्टेंस बिल्ड हो गया आर. सो ये रेजिस्टेंस बिल्ड होने के लिए हु इज़ द मेन रीज़न, दिस इंसेक्ट, दिस इज़ अ कोइवोल्यूशन. दे बोथ आर इवोल्यूटिंग ड्यू टू द प्लान इंसेक्ट बी. ड्यू टू बी देर इज इवोल्यूशन इन ए, ठीक है. सो दिस इज़ द कोइवोल्यूशन, ओके. सो इन सिम्पैट्रिक रेसिस्टेंस इट इज़ एक्वायर्ड बाई कोइवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट, जीन फॉर जीन, ऐसे ए एंड बी. ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है. सो एलोपैट्रिक रेसिस्टेंस इट इज़ नॉट बाई कोइवोल्यूशन, इसका ऑपोजिट है एलोपैट्रिक रेसिस्टेंस.
सो सिम्पैट्रिक में एज आई टोल्ड यू अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कोएवोल्यूशन कॉन्सेप्ट. सो ए एंड बी, ए है प्लांट और बी है इंसेक्ट. सो वंस अपॉन ए टाइम इंसेक्ट जो इट स्टार्टेड अटैकिंग द प्लांट, लेकिन उस टाइम पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या ऐसे कुछ नहीं है. सो एज द टाइम पासिस वॉट हैपेंड इज दिस प्लांट इट स्टार्टेड गेनिंग द रेसिस्टेंस. ठीक है, सो इट स्टार्टेड गेनिंग द रेसिस्टेंस. सो ये रेसिस्टेंस बिल्ड होने के लिए हु इज़ द मेन रीज़न? इंसेक्ट है. मतलब इस केस में ये दोनों को इवोल्यूशन हो रहा है. बी के वजह से ए हैज़ डेवलप्ड रेसिस्टेंस, इसको हम को इवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, सो अगर एक को ड्यू टू दिस को इवोल्यूशन इफ़ अ जीन इज़ बिल्ट, आर इज़ अ जीन है, इसको हम सिम्पैट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं. मतलब बी के वजह से ए हैज़ डेवलप्ड रेसिस्टेंस इज अ सिम्पैट्रिक. लेकिन एलोपैथिक तो ऐसे कुछ कनेक्शन से कुछ नहीं होगा. ठीक है, मतलब सी हियर इट रिटन सिम्पैट्रिक इज गवर्न्ड बाय मेजर जीन्स. सो हमें पता है मेजर जीन्स जो है तो स्पेसिफिक है. सो बी एक स्पेसिफिक इंसेक्ट है. सो ये स्पेसिफिक इंसेक्ट के वजह से ए हैज़ डेवलप्ड रेसिस्टेंस, इसलिए गवर्न बाय मेजर जीन्स. ये क्या होता है? वर्टिकल रेसिस्टेंस. एलोपैथिक में ये तो डिफरेंट है. इट इज़ लाइक नोन टू गेन रेसिस्टेंस टू किल ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट. ये तो नॉन टारगेट है. दिस इज द एलोपैथिक. नेक्स्ट है मैकेनिज्म्स ऑफ रेसिस्टेंस. सो इसमें टोटल तीन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, एंटीजेनोसिस, एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस. सो एंटीजेनोसिस का मतलब क्या है? एंटीजेनोसिस का मतलब है होस्ट में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. सो ये कैरेक्टर्स इट विल मेक इट्सेल्फ नॉन प्रिफरेबल फॉर द इंसेक्ट. ये बात बताओ, इंसेक्ट का मेन रोल क्या है प्लांट में? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, दे विल यूज़ द प्लांट एज फॉर शेल्टर, टू फीड और टू ले एग्स. ये तो सबको पता है. सो इसका मतलब है एक होस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल ये होस्ट है, इट इज़ द प्रिफरेंस ऑफ द इंसेक्ट. लेकिन ये एंटीजेनोसिस ऐसे कैरेक्टर है, इट विल मेक द होस्ट नॉन प्रिफरेबल टू द इंसेक्ट. नॉन प्रिफरेबल एंड ऑल्सो इट मे लीड्स टू चेंज इन द इंसेक्ट बिहेवियर. जैसे मान लो ट्राइकोम्स, आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये है ट्राइकोम्स. सो ये ट्राइकोम्स जो है, इट विल मेक द इट्स कंडीशन नॉन प्रिफरेबल टू वाइट फ्लाई इन कॉटन. ठीक है, वैसे ही वैक्स ब्लूम है सेकेंड पिक्चर. मतलब लीव्स पे वैक्स जैसे कोटिंग होते हैं, वैक्स ब्लूम ऑन क्रूसिफर लीव्स, दे डिटर फीडिंग बाय डीबीएम. ठीक है, सो नेक्स्ट है प्लांट शेप एंड कलर. कभी कभी प्लांट शेप एंड कलर पे भी डिपेंड होगा. अगर प्लांट शेप एंड कलर अच्छा नहीं होगा तो इंसेक्ट दे वोंट फीड ऑन इट. वैसे ओपन पैनिकल ऑफ सॉर्गम थर्ड पिक्चर, इट विड ऑल्सो सपोर्ट लेस हेलिकोवर्पा. मतलब ये सबका मेन थीम है मेकिंग द होस्ट नॉन प्रिफरेबल. मुझे इस प्लांट पे आई डोंट वॉन्ट टू ले एग्स, आई डोंट वॉन्ट टू फीड ऑन इट. मतलब मेकिंग द होस्ट नॉन प्रिफरेबल, ये है एंटीजेनोसिस. नेक्स्ट है एंटीबायोसिस. एंटीबायोसिस का मतलब है ड्यू टू दिस, इसमें ना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. सो ये केमिकल सब्सटेंसेस के वजह से इट विल इफेक्ट, इट हैज़ इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट. बायोलॉजी का मतलब सर्वाइवल, डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन. सो ये सब्सटेंसेस के वजह से ये रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स पे एडवर्स इफेक्ट होगा. वैसे प्रोजेनी. सो इसका मेन रिजल्ट क्या होता है? लार्वल डेथ एंड एबनॉर्मल लार्वल ग्रोथ. सो एंटीबायोसिस में दे में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एंड ऑल्सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस. ये सब है एंटीबायोसिस का मेन आर्मी. ठीक है, टू फाइट द इंसेक्ट्स. नेक्स्ट है केमिकल फैक्टर्स. सो
आई हैव टोल्ड यू देर आर केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो. सो केमिकल फैक्टर्स का मतलब बेसिकल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. सो जैसे डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोक्साजिन. सो इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर. सो ये केमिकल सब्सटेंसेस ये सब प्लांट से ही अवेलेबल है, प्लांट में ही अवेलेबल है, मतलब इनबिल्ट है, प्लांट्स में इनबिल्ट है. सो ये केमिकल सब्सटेंसेस जैसे डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोक्साजिन अगेंस्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर, गॉसिपोल अगेंस्ट हेलिकोवर्पा, एंड सिनिग्रिन अगेंस्ट एफिड्स, कुकुरबिटैक्टिन अगेंस्ट कुकुरबिट फ्रूट फ्लाइज, एंड सैलिसिलिक एसिड अगेंस्ट राइस स्टेम बोरर. सो ये सब केमिकल सब्सटेंसेस इनबिल्ट है. ये केमिकल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है फिजिकल भी है, जैसे क्यूटिकल फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो. सो ऊपर जो लेयर है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं. सो अगर इतने क्यूटिकल है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पेस्ट टू पेनिट्रेट इन टू द लीव्स एंड ऑल्सो ग्लैंडुलर हेयर्स. ग्लैंडुलर हेयर्स को हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है सिलिका डिपॉजिट, ये तो इनसाइड ऑफ द प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट है टाइट लीव शीथ. सो ये सब फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स हैं. ओके नेक्स्ट है टॉलरेंस. सो टॉलरेंस का मतलब एबिलिटी टू ग्रो एंड यील्ड डिस्पाइट पेस्ट अटैक. प्लांट्स में पेस्ट अटैक होगा सो डिस्पाइट दैट अटैक यील्ड अच्छा होगा देन वील कॉल इट एज येस दिस प्लांट इज टॉलरेंट डिस्पाइट पेस्ट अटैक. ओके सो इट इज जनरली एट्रिब्यूटेबल टू प्लांट विगर, रीग्रोथ ऑफ डैमेज टिश्यू to produce additional branches, compensation by growth of neighboring plants. These all are the internal factors of the plant. So, एक plant tolerant है, इसका मतलब है इसमें regrowth ability है और इसमें plant vigor है, मतलब germinating capacity है और additional branches produce करने के लिए वो strength है. ये सब tolerating का main role है. So, आप इस पिक्चर को देखिए नीचे, जिस पिक्चर. सो फर्स्ट है एंटीक्सिनोसिस, यह है पेस्ट का रिएक्शन है, मतलब नॉन प्रिफरेबल. नेक्स्ट है एंटीबायोसिस, ये तो प्लांट का रिएक्शन है. इट विल प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंसेस एंड इट विल किल द इंसेक्ट. नेक्स्ट है टॉलरेंस है. ओके सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये मैकेनिज्म्स को. एंटीक्सिनोसिस, एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस. एंटीक्सिनोसिस का मतलब है इट विल मेक द होस्ट प्लांट नॉन प्रिफरेबल. जैसे ट्राइकोम्स, अगर ट्राइकोम्स होगा तो इट विल बी नॉन प्रिफरेबल फॉर द इंसेक्ट्स टू ले एग्स, टू फीड, टू रिप्रोड्यूस. वैसे ही वैक्स ब्लूम, वैसे ही प्लांट शेप एंड कलर, वैसे ही ओपन पैनिकल इन सोर्गम. एंटीक्सिनोसिस. एंटीबायोसिस का मतलब है प्लांट्स इट्सेल्फ इट विल प्रोड्यूस कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या उसके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्राइकोम्स, प्लांट लीफ शीथ, सिलिका डिपॉजिट. सो ये सब फिजिकल फैक्टर्स है. केमिकल फैक्टर्स का मतलब गॉसिपोल्स, सिनर्जिन, सैलिसिलिक एसिड. सो ये सब केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस विद इन द प्लांट, प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा. सो ये केमिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स की वजह से it will lead to death of the insect. Next is tolerant. It is ability of a plant to grow despite the attack. Plant pe pest ka attack hoga. So in despite of that attack, plant ka yield bhi acha hoga. Isko hum tolerance kehte hain. Theek hai? So use of tolerance in IPM. So tolerant varieties ko high economic threshold level hote hai. So isliye isko insecticide requirement is less and also we can apply less selection pressure on pest kyunki iska biotite development less hoga tolerating varieties mein. Next hai host plant resistance in IPM. ye to bahut important component hai kyunki agar tum ek resistant variety ko grow kar rahe ho uska matlab kya production cost kam hoga क्योंकि अंदर से ही रेसिस्टेंस है. सो फॉर यू नो नीड टू अप्लाई द केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स ऑन द आउटसाइड नो. इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा अगर तुम रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर रहे हो तो. सो अगर हम विल से कंपैटिबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस इन IPM. सो इफ यू इंटीग्रेटेड विद केमिकल कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा. एंड ऑल्सो अगर मान लो तुम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब अंदर से ही रेजिस्टेंस है,
इन एडिशन टू दैट यू आर अप्लाइंग द केमिकल कंट्रोल ऑन द आउटसाइड. सो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? कंप्लीट कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ पेस्ट. ये इसका मेन यूज है. एंड ऑल्सो सिंस यू आर यूजिंग द असिस्टेंट वराइटी, तुम ये इंसेक्टिसाइड का कंटेंट जो है तुम यू कैन यूज द लोअर कंटेंट, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी रेसिस्टेंट. वाइट यूज मोर लोअर इंसेक्टिसाइड चलेगा. लोअर इंसेक्टिसाइड कंसेंट्रेशन इज गुड. नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी विथ बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो रेसिस्टेंट वेराइटीज का मेन रोल क्या है? टू डिक्रीज द पेस्ट. अगर तुम प्रीडेटर्स पैरासिटॉइड्स को रिलीज कर रहे हो फील्ड में, इससे ज़्यादा प्रॉफिट है. लाइक इट कैन बी किल्ड. मतलब इसमें केमिकल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है अगर तुम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज़ कर रहे हो. मतलब तुम फील्ड में प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड्स को रिलीज कर रहे हो, सो नो नीड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ केमिकल कंट्रोल. ठीक है. नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी विथ कल्चरल मेथड्स. अगर तुम रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर रहे हो और अच्छे से तुम फील्ड मैनेजमेंट कर रहे हो, सो यील्ड भी अच्छा होगा और पेस्ट अटैक भी कम होगा. ठीक है. सो जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, यूज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म वीवल इन USA. अगर तुम शॉर्ट ड्यूरेशन अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और रेजिस्टेंट प्लांट्स को यूज़ करने से वी कैन इराडिकेट द पेस्ट. सो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज. राइस, सो राइस में TKN6 PIUR1 रेजिस्टेंट वराइटीज है अगेंस्ट येलो स्टेम बोरर. वैसे ही ब्राउन प्लांट हॉपर के अगेंस्ट CO42, IR36, IR64. शुगर केन में है कॉटन, सोर्गम, जैस्मिन. सो आप यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज एंड यू नो नो नीड टू रिमेंबर ईच वन ऑफ दम. जैसे राइस में यू कैन टेक एनी टू काइंड ऑफ पेस्ट और इसका रेजिस्टेंट वराइटीज एनी टू इज इनफ. ओके. नेक्स्ट है इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. सो इसका एडवांटेजेस क्या है? स्पेसिफिक है, इसका स्पेसिफिसिटी है, मतलब टारगेट ओरिएंटेड है. नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव इफेक्ट. इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा और ये तो इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं है और वी कैन मेंटेन द सॉइल एंड ऑल्सो वी कैन सेव द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ ईजी अडॉप्टेबल. अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंट वराइटी है और क्या चाहिए? Just grow it and apply less chemical control, then you'll get good yield and no pest. इसका effectiveness ही बहुत अच्छा होता है. And also इसका compatibility, अगर तुम chemical control के साथ mix करो या biological control या cultural control, it will be really beneficial for you. ठीक है. एंड ऑल्सो डिक्रीज पेस्टिसाइड एप्लीकेशन. अगर अंदर से ही resistance है, so how why to use more chemical control? Use the less pesticide. नेक्स्ट है परसिस्टेंस. इसका ड्यूरेशन भी इट विल बी मोर एंड ऑल्सो यूनिक सिचुएशंस लाइक व्हेन टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन क्रिटिकल है, क्रॉप ऑफ लो इकोनॉमिक वैल्यू, पेस्ट इज कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन अ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर. सो ये सबको इट विल बी कंपेंसेटिंग दैट. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. में डिसएडवांटेजेस भी है लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग है. इट विल टेक मोर टाइम टू अडेप्ट. वैसे बायोटाइप डेवलपमेंट. सी अगर ये प्लांट वर्टिकल रेसिस्टेंस है, लाइक ये तो स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड है. अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट अगेंस्ट कॉटन बॉल वॉर्म, ये तो सिर्फ कॉटन बॉल वॉर्म को ही कंट्रोल करेगा. ये तो स्पेसिफिक है, टारगेट ओरिएंटेड. सो ये टारगेट ओरिएंटेड में एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ इट विल बी जस्ट स्पेसिफिक. अगर इसके पास आ गया फॉर एग्जाम्पल रेड हेरी कैटरपिलर, सो इट वॉन्ट कंट्रोल दैट. ये एक नया प्रॉब्लम है. ओनली इन स्पेसिफिक, ओनली इन टारगेट ओरिएंटेड रेसिस्टेंस में दिस इज द मेन प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट है जेनेटिक लिमिटेशंस. एब्सेंस ऑफ रेसिस्टेंस जीन्स अमंग अवेलेबल जर्मिनेशन. सो ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर जीन्स, ये भी एक डिसएडवांटेज होगा. ठीक है. ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. सो दिस इट गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखा है. इट इज़ द होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस PPT फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर.